क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी खुशी हो रही है भोजपुरी समाज के लिए? जी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शिव नारायण जी एक ऐसे निर्माता हैं जो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री में अच्छी फिल्म बनाने के नियत से ही आए हैं, और इसके पहले भी उन्होंने जो फिल्म बनाई थी मैंने देखा भी था खेसारी जी के साथ में, मेरे छोटे भाई के साथ में, तो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। और मुझसे भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा मुझे, एक अच्छी फिल्म बनानी है। और निश्चित रूप से जिस तरह की शुरुआत हुई है आप देख सकते हैं कि वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पहला कदम ही उनका बड़ा ज़ोरदार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। और इसके बाद जो हमारे छोटे भाई के साथ है, खेसारी जी के साथ में है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। तो दो दो अच्छी फिल्मों की शुरुआत एक दिन हुई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे इंडस्ट्री के लोगों के लिए खुशी की बात है, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि जिस तरह का लुक उन्होंने दिखाया है मेरी फिल्म में और खेसारी जी की फिल्म में, दोनों ही फिल्में बहुत ही कमाल की होंगी। मैं मेरी फिल्म के बारे में इतना बता सकता हूँ कि जब मैंने उस फिल्म की स्टोरी सुना तो मुझे लगा कि पहली बार मुझे कुछ ऐसा करने को मिल रहा है जो जब मैं पर्दे पे करूँगा तो मैं बहुत इन्जॉय करूँगा। क्योंकि कहानी एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर की है जिसकी चाहत होती है कि वो वर्दी पहनने के बाद बड़ा रुआबदार बन के बुलेट पे बैठ के और लोग उसको सलाम ठोके और वो अपना चला जाए। इतना सारा दिल में चाहत लेके जो लड़का पुलिस में भर्ती होता है, फाइनली पता चलता है कि उसे अपने ऑफिसर के घर पे ऑफिसर के कुत्ते को दूध पिलाना पड़ता है, तो वो सोचता है कि क्या मैं इस दिन के लिए भर्ती हुआ था, क्या मैं ऑफिसर के कुत्ते को दूध पिलाने के लिए और उनके बच्चों के स्कूल छोड़ने के लिए और उनकी वाइफ के लिए सब्जी लाने के लिए मैं ये वर्दी पहना था। तो वो जो उसका कसम कस है और उसके बाद वो जिस तरह से उसके अंदर अंतर्द्वंद चलता है और फिर वो किस तरह से अपने मकसद की ओर आगे बढ़ता है, वो कहानी है और बड़ी प्यारी कहानी है, मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगा। कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ये एक मुहिम है, अगर हम कहेंगे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सपना लेके एक लड़का जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है और जो सपना लेके जो सोच के वो फोर्स में भर्ती होता है, जो उसकी चाहत होती है कि मैं देश की सेवा करने के लिए फोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जाके उसको क्या वो सपना पूरा कर पाता है या वो अपने आला अधिकारियों के सेवा में उसको लगना पड़ता है, तो मैं कहूँगा कि इस बात पे ज़्यादा इस स्क्रिप्ट में ध्यान रखा गया है कि वो सारी जो चाहते हैं वो कैसे टूटती हैं, कैसे बिखरती हैं, उसके ऊपर ये फिल्म होगी। सबसे बड़ी की हमारे साथ इन्होंने दो फिल्में बनाई है जिनका नाम शिवरायन सिंह है, लेकिन इन्होंने जब भी मेरे साथ फिल्म बनाई एक निर्माता के तौर पे नहीं बनाई, इन्होंने मेरे साथ जब भी एक बाप बेटे का रिलेशन जैसे होता है, एक घर परिवार का रिलेशन होता है, इन्होंने मुझे बेटे की तरह ट्रीट किया और एक रिश्ता है इनसे मेरा, और मैं इनकी फिल्में करता हूँ तो मैं बेहद खुश रहता हूँ और मुझे इतना ऊर्जा मिलता है इनसे कि मैंने पहला कोई प्रोड्यूसर देखा जो कि डंडा लेकर खुद पब्लिक को इधर उधर कर रहा है कि बाबू थोड़ा साइड हो जाओ काम करना है। तो ये कभी अपने आप को प्रोड्यूसर के तौर पे हमारे साथ जब भी इन्होंने काम किया प्रोड्यूसर की तरह कभी इन्होंने ट्रीट नहीं किया। और ये जो मेरी मूवी है ये मेरे ओरिजिनल लव के ऊपर है, हम जो गाँव में खेती में भागते थे, चिट्ठी फेंकते थे, भैंस पर बैठ के हाथ मारते थे अपने गर्लफ्रेंड को, और बहुत पंगा होता था, एक बार जैसे हुआ था सांप बैठ गया था, हम अपने गर्लफ्रेंड को बुला लिया और कह रहे कि इधर आओ, हम कहे नहीं तुम इधर आओ, ऐसे बांधा है, बाद में देखे तो पंगा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी जो ओरिजिनल लव मैं गांव में किया था, चिट्ठी फेंका एक बार और पर भाई झाग दी भाई से उस पर मार दी पलांटी, तो फिर उसी गोबर के साथ मेरी गर्लफ्रेंड ने उस चिट्ठी को उठाया और फिर ले जाकर पढ़ा, फिर जाकर पढ़ा, फिर उसको सुखाया, फिर निकाला निकाल के फिर पढ़ा। तो देखिए हमने लुप्त किया है, ऐसे लुप्त आज के जीवन में कुछ नहीं हुआ है,
हम अपने शौक के तौर पे मोबाइल रख लिया है, मैसेज क्या, जो हम चिट्ठी में बातें अपने लिखते हैं उसी को हम मैसेज में लिखते हैं, तो चिट्ठी लुप्त कहाँ से हो सकती है, लिखावट तो सेम ही है। तो लेकिन अंतर इतना ही है कि पहले चिट्ठी फेंका फेंकी होता था, अब मैसेज फेंका फेंकी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जिस तरह की आज ओपनिंग हुई है फिल्म की और जिस तरह का फिल्म का लुक आप देख रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ इस फिल्म का पार्ट होने के लिए और शिव नारायण जी के साथ काम करने मिल रहा है। आई एम रियली ऑनर्ड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहीं ना कहीं फिर दिनेश लाल और आम्रपाली की जोड़ी फिर प्रोडक्शन नंबर 4 में फिर नजर आएगी क्या इसमें? हाँ, फिर से नजर आएगी, लेकिन स्टोरी इस फिल्म की इतनी अच्छी है, इतनी डिफरेंट है, बिल्कुल भी रिपीटेड बेस पे नहीं है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, तो इसमें जब हम काम करेंगे तो बहुत अलग लगेगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। आम्रपाली जी, आपसे मुकामा के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार का उसका किरदार है और बहुत चर्चित फिल्म है क्या? मैं अपने कैरेक्टर के बारे में मुकामा में बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि मेरे कैरेक्टर का नाम है फूल गेना, टिपिकल गांव की देहाती लड़की और बिल्कुल जो जिद्दी बिगड़ैल लड़की लेकिन देहाती, वैसा कैरेक्टर है और बहुत अच्छी फिल्म है। उसके गाने पर्सनली आज तक के मेरे सबसे फेवरेट गाने उस फिल्म में हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड। 7 तारीख को फिल्म आ रही है, 7 अक्टूबर को आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाए देखें। वो गाना जो चलाइज हुआ था होली का, वो बहुत ही दर्शक पसंद कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना कठिन वर्क था वो, कितना? एक्चुअली हम लोग ने शूट किया था वो गाना भुज में गर्मी के समय, और इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, उसी के बीच में वी वर डांसिंग, दिन भर डांस कर रहे हैं, गुलाल पड़ा हुआ है, लेकिन हम कितनी भी तकलीफ़ में शूट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडियंस अगर पैसे दे के सिनेमा देखने आ रही है तो उनको मज़ा आना चाहिए और आपको गाना देख के बहुत मज़ा आएगा। देखिए, हमारे मित्र शिव नारायण सिंह जी जो हैं वो कभी छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते हैं, वो जब भी करते हैं तो बड़ा धमाका ही करते हैं, और ये सुखद संयोग है कि शिव नारायण सिंह जी जो हमारे गुरु भाई भी हैं, उन्होंने मतलब जो भोजपुरी के जो दो सुपर धमाके, एक दिनेश लाल नरहुआ जो हमारे भाई सदस्य हैं, और ये इनका बड़प्पन है कि मुझे बड़े भाई का रुतबा देते हैं, और एक खेसारी लाल जी हैं, ये दोनों ही, और आम्रपाली जी, तो ये बहुत अच्छा सुखद संयोग बनाया है शिव नारायण सिंह जी ने। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ कि वो उनकी फिल्म अनंत ऊँचाइयों को। दिनेश लाल जी की एक फिल्म देखी हुई है नरहुआ रिक्शा वाला, और वो मुझे लगा था कि बड़ी रुतबे की फिल्म थी, और एक फिल्म और आई थी जो मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा था, लेकिन मैं भयभीत हो गया और मैंने कहा कि भाई इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये उच्च कोटि के कलाकार हैं और सिद्धहस्त हैं भोजपुरी में, और अगर उच्च कोटि के सिद्धहस्त कलाकार के साथ आपको खड़े रहना है तो निश्चित रूप से किरदार भी उतना ही दबंग और दमदार होना चाहिए, तब कहीं हम जैसे कलाकार कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये लोग सब दादा लोग हैं भोजपुरी के, कि क्या पता ये प्रोड्यूस करें, लेकिन इनसे मेरा सवाल ये है कि जब ये प्रोड्यूस करें तो उसमें ये एक्ट ना करें, सिर्फ मैं एक्ट करें। ये बड़े भैया का बहुत बड़ा बड़प्पन है, बहुत प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में नहीं बनती जो नेशनल अवार्ड लेके आए, फेस्टिवल में जाए, तो मैं ये बात मानता हूँ कि जिस दिन भी हम भैया को ला पाएंगे भोजपुरी में और इनको लेके जिस दिन फिल्म बनाएंगे, निश्चित रूप से भोजपुरी को भी नेशनल अवार्ड हम दिला पाएंगे। पूरा सबसे पहले कि ये वर्ल्ड फेमस हैं और इन्होंने अगर हमारे भोजपुरी के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाला है तो हमारे लिए गर्व की बात है, और हम पूरी भोजपुरी टीम इनको दिल से थैंक यू और स्वागत करते हैं। आप कुछ बोलिए ना।
मैं आज हमारे छोटे भाई हैं आशुतोष राणा जी और हमारे गुरु भाई भी, मैं जब भी इनको जहां फोन किया होगा तुरंत ये हाजिर हो जाते हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि एक ऐसी भोजपुरी पिक्चर बनाऊं जिसमें कि जो इन्होंने हिंदी पिक्चर में किया है उससे बढ़ के धमाका हो, यही मेरी हार्दिक आमीन। आज एक भोजपुरी फिल्म जिस तरह से हिंदी फिल्म चल रही है, हम लोग किसी के दया पे भोजपुरी नहीं चल रही है, भोजपुरी समाज भोजपुरी पिक्चरें हमारे जो लाडले लोग हैं उनके और आप सभी टेक्नीशियन जितने भी हैं सबके बल पे चल रही है। हमको किसी की जरूरत भी नहीं है कि हमको किसी की मदद चाहिए भोजपुरी। जी जी खेसारी जी, अगली सवाल चलते आपका लौंडा नाम जो है वो अच्छा तो सब में लौंडा बने। हाँ चलिए अच्छा है, आप लोग को अगर पसंद मेरी कोई भी चीज़ आती है तो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि एक कलाकार की कोई भी चीज़ अगर पब्लिक तक पहुँचती है और उसको अच्छा लगता है तो मेरा सौभाग्य है जब आपको मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, तो दिल से थैंक यू। आपको मुझे लगता है उसमें बहुत अच्छा एक लाइन संतोष मिश्रा जी ने लिखा है, जिगरा बड़ा था तभी तो टकराने आ गए, जिनको हमारे बारे में नहीं पता है अब उनको पता चलेगा जंगल में शेर पुराने आ गए। तो उन्होंने बड़ी तेवर वाली फिल्म बनाई है जो कि हमारे भोजपुरी दर्शकों का टेस्ट है, जैसा वो देखना चाहते हैं उनको तेवर वाली फिल्में ज़्यादा पसंद आती है। तो ये पूरी तरह से भोजपुरिया दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और उन्हें पसंद आ रही है तो इसमें ही हमारी सफलता है, क्योंकि पूरी मेहनत इसीलिए हुई थी कि हमारे दर्शक उसे पसंद करें, दर्शकों को अच्छा लगे। और सुजीत तिवारी जी ने उस फिल्म को बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कितने में फिल्म बनेगी, इतना पैसा लग रहा है और इतने दिन से शूटिंग चल रही है, एक बार भी उन्होंने सवाल नहीं किया और बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी हाँ फिल्म बनाया है उन्होंने। मुझे लगता है कि दर्शक 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा धमाका देखेंगे मोकामा के लोग। जी जब कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं या कोई धमाका करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है। देखिए ये मुझे लगता है कि भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि ये स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है कि इसको एक दिन मेरे ड्राइवर ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया था, मैं दंग रह गया कि ये कितनी अच्छी बात बता रहा है। मैं एक दिन गाड़ी में बैठ के जा रहा था तो उसने कहा सर यहाँ जो कुछ भी होता है ना सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। तो मैं बोला मैं समझा नहीं क्या बोलना चाहते हो। बोले देखिए आप लोग फिल्म बनाते हैं मनोरंजन के लिए, आपकी फिल्म रिलीज होती है अगर 4 लोग उसकी बुराई करते हैं वो भी अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं, और अगर किसी को अच्छा लग रहा है और वो उसकी तारीफ कर रहा है तो भी मनोरंजन चल रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ बस एक ही चीज़ है कि हर किसी को हक है अपना मत रखने का, अपना विचार व्यक्त करने का, और एक बात तो है कि जो आपके हिस्से में है वो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा और जो आपका है नहीं वो आपको कोई दे नहीं पाएगा, तो किसी के दर्द होने से और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर वाला अपना आशीर्वाद बनाए रखे सब कुछ अच्छा होगा।